नमस्कार दोस्तों, ऑटो हर्ष 9 के इस चैनल पे स्वागत है। और फिर से दोस्तों आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसका जीटी वेरिएंट इंडियन मार्केट में कब लॉन्च हो जाएगा, कितने प्राइस का होगा, कितनी माइलेज देगा, क्या उसकी इंजन पावर रहेगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हमारे ओर से आप मिस ना कर पाए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की। तो इस कार में आपको एक्सपेक्टेड प्राइस 11.72 लाख रुपीस से स्टार्ट हो गए, 12.24 लाख रुपीस आपको ये कार मिल जाएगी। मतलब इस कार का बेस वेरिएंट जो होगा मारुति सुजुकी अर्टिगा जीटी का, इसमें आपको 11.72 लाख रुपीस एंड टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाएगा 12.24 लाख रुपीस। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट शेड्यूल की गई है मई 2020 में। अब बात करते हैं उसकी लुक की। मतलब अगर आप उसका फ्रंट लुक देखेंगे तो काफ़ी उसको स्पॉटियर किया गया है, उसमें आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग दिखने को मिल जाती है। और ये कार 2020 के मिड वेरिएंट, यानी कि जो इंडियंस मार्केट में होगी, वो 2020 के मिड में इस कार को लॉन्च किया जाएगा। तो आप उसकी पूरी डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी शार्पर लुक दे रही है, स्मार्टर एंड मोर एग्रेसिव लुक्स दे रही है। अगर आप इंडियन मार्केट में भी उसकी जो सेलिंग शायद इससे बढ़ सकती है, और जब इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो दोस्तों आप क्या इस गाड़ी को खरीदना पसंद करोगे, वो भी मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। और बात करते हैं दोस्तों लेंथ की। तो इस कार में आपको 4470mm की लेंथ मिल जाएगी, जो स्टैंडर्ड वेरियंट से 74mm ज़्यादा है। और जो कार आती है उसमें आपको फ्रंट ग्रिल, उसमें साथ आपको फ्रंट अपग्रेड स्पॉइल आपको मिल जाता है, साइड स्कर्ट मिल जाती है और रियर स्पॉइलर मिल जाता है। और फ्रंट्स की बात करें तो उसमें आपको साफ LED DRL दिखने को मिल जाएगा, और उसके ऊपर जो फॉग लैंप आपको दिखने को मिल जाएगा, 15 इंच के ड्यूल टोन पॉलिश एलॉय व्हील्स दिखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको 3 से 4 कलर ऑप्शन आपको इस कार में मिलने वाले हैं जब इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। जैसे कि उसमें आपको मेटालिक मेगमा मिलेगा ग्रे, और पियर स्नो मिलेगा वाइट, एंड कलर ब्लैक आपको भी ये कार में अवेलेबल होगा। तो एक्सटीरियर ऑल ओवर काफ़ी अच्छा मिलेगी। साइड लुक की भी बात करें तो अच्छा लगता है अगर आप एक MPV की बेस्टेस्ट पसंद करते हो। वैसे तो दोस्तों मैंने टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का फेसली वर्जन का भी वीडियो बनाया है, वो भी अगर आप नहीं देखे तो देख लेना। तो ये कार जब इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तब कम्पीट करेगी अपनी सेगमेंट में आने वाली जो किया की कार्निवल है वो, और रेनॉल्ट की ड्राइवर है उससे ही कम्पीट करेगी। और थोड़े बहुत अगर इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखी तो अपनी इनोवा क्रिस्टा जो आती है MPV बेस्ड फेसली वर्जन आएगी, उसके साथ भी ये कार कम्पीट कर सकती है दोस्तों। अब बात आती है उसकी इंटीरियर में। तो इंटीरियर में आपको काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड मिल जाएगा, जो प्रीवियस डिज़ाइन से काफ़ी मटेरियल क्वालिटी अच्छी होगी, प्रीमियम टचेस के साथ आएगा। उसमें आपको सेम फीचर्स मिलेंगे जो स्टैंडर्ड अर्टिगा में मिलता है। लेकिन दोस्तों इनसाइड कैबिन की बात करें तो उसमें आपको एक सेफ्टी फीचर्स ऐड हो जाएगा, जिसका नाम होगा ESP, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको आने वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा GT वेरिएंट में मिल जाएगा। जो हाल फिलहाल स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें आपको नहीं मिल पाता। अगर इसकी जो इंटीरियर होगा उसमें आपको लेगरूम की बात करें तो काफ़ी अच्छा मिलेगा, हेडरूम की काफ़ी अच्छा मिलेगा। और मैंने दोस्तों पहले भी बताया कि जो आने वाली अर्टिगा GT है वो स्टैंडर्ड वर्जन से ज़्यादा लंबी होगी, 72mm ज़्यादा लंबी होगी। और जो उसमें आपको जैसे सेफ्टी फीचर्स BS6 नॉर्म्स के साथ आएगी, तो काफ़ी अच्छी अपग्रेडेड वर्जन होने वाली है। अगर बात करें उसकी इंजन पावर की तो उसमें आपको स्पोर्ट्स S वेरियंट में आपको K15B 1.5 लीटर का VVT नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा 105 BHP, जो 6000 RPM पे मिलेगा, एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 130 Nm का मिलेगा, जिसमें आपको 4400 RPM पे ये कार का टॉर्क मिल जाएगा। इस कार के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रांसमिशन की, तो आपको इस कार में आपको 5-speed to 6-speed ऑटोमेटिक एंड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल होगी। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस मैंने पहले भी बता दी है दोस्तों, लेकिन फिर से दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 11.72 लाख रुपीस से स्टार्ट होगी एंड 12.24 लाख रुपीस में आपको ये कार मिल जाएगी। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मारुति सुजुकी अर्टिगा ये कार स्पोर्टी वर्जन काफ़ी अच्छा बिक सकता है, क्योंकि इसकी जो लुक है अग्रेसिव लगती है, स्पोर्टी लगती है। और हाल फिलहाल अगर आप इस स्टैंडर्ड मारुति सुजुकी की बात करें तो काफ़ी सबसे ज़्यादा सेलिंग कार रही है इस मंथ में। तो हो सकता है कि आने वाली जो अर्टिगा GT होगी वो सबसे बेस्ट सेलिंग MPV भी बन जाए, जिसमें आपको मैंने 1.5 लीटर डीजल इंजन बताया और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी दोस्तों बता दिया। तो फिर दोस्तों मारुति सुजुकी फुल्ली ओवरव्यू की जाए तो सबसे अच्छी, सबसे अग्रेसिव और स्पॉटी वर्जन फ्रंट एंड रियर फेसिका में देखेंगे मिलेंगे। और मारुति सुजुकी एक्सपेक्टेड लॉन्च कर सकती है कि जो इंडियन मार्केट में 2020 और मिड में 2020 में इस कार को लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में जितनी भी जानकारी मीडिया द्वारा लीक हुई है, जो GT वेरिएंट्स आने वाला है उसके बारे में, तो वो सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे गाइस नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।